नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहेंगे और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को इसका लाभ मिलेगा और कह सकते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं। और वाराणसी में अगर हम उनके कार्यक्रमों की आपको जानकारी दें तो यहां से पीएम नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। 17वीं किस्त जारी होने के बाद जो देश भर के 9 करोड़ 26 लाख किसान हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। 17वीं किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जारी की जाएगी। इसके लिए वहां पर तमाम जो तरह की तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में किसान सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री आज रहेंगे और एक अहम शुरुआत देश के किसानों के लिए एक अहम दिन कह सकते हैं, क्योंकि किसानों को ये जो लाभ मिलता है वो कहीं ना कहीं किसानों को आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। और निश्चित रूप से आज एक बड़ी गतिविधि वाराणसी में देखने को मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे, जिसका सीधा फायदा देश के 9 करोड़ 26 लाख किसानों को होगा। सीधे राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। और तमाम जानकारियों के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। वाराणसी के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी रहेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। आपको बता दें कि देश के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। एसके राजीव, निश्चित रूप से कह सकते हैं देश के किसानों के लिए आज एक बड़ा दिन है और पीएम नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ये पहला बड़ा काम करने जा रहे हैं। नहीं देखिए नवीन, दरअसल मैं चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनका बनारस का पहला दौरा है और ये आपको पता है कि जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाले थे और जब पीएमओ गए थे पहले दिन तो वहां जाकर के उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक किस्त जो है वो जारी की थी और दूसरी किस्त जो है वो आज फिर जारी करेंगे वो बनारस से, और लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को जो है वो देश में फायदा होगा। तो ये आपको पता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो अपने वादों पर, जो अपना वो वादा करते हैं उस पर वो खड़े उतरने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि आज चुनाव जीतने के बाद पहली बार या फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र वो बनारस के दौरे पर होंगे और वहां पर गर्मजोशी से उनका वार्म वेलकम भी किया जाएगा और साथ में जो योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वह भी रहेंगे और किसान निधि सम्मान किसान निधि योजना के तहत जो है वो 17वीं किस्त की राशि जो है आज वो बनारस में जारी करेंगे। और इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के कई सारे कार्यक्रम हैं जिस कार्यक्रम के तहत कि आज वो वहां की जनता से भी मिलेंगे, जनता से भी वो बात करेंगे और लोगों को वो बधाई देंगे कि जनता ने उन्हें एक बार फिर से जिता करके देश का प्रधानमंत्री बनाया है। जी नवीन, चलिए तो पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता का आभार भी व्यक्त करेंगे। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे, जिसका सीधा लाभ 9 करोड़ से भी अधिक किसानों को मिलेगा। 17वें किस्त की राशि सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद इसके राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।